तस्वीरें पलवल के गांव गढ़ीपट्टी के शहीद राजवीर सिंह खेल स्टेडियम की है, जो पिछले कई सालों से जर्जर हालत में। आलम यह है कि स्टेडियम में कई लोगों ने अवैध तरीके से कब्जे भी किए हुए हैं। खेल स्टेडियम की हालत खस्ता होने के चलते गांव के युवा सड़क पर दौड़ लगाकर सेना की तैयारी करने के लिए मजबूर है, जिसके चलते वे आए दिन हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। बता दें, करीब 12 एकड़ जमीन पर साल 2004 में शहीद राजवीर सिंह के नाम से खेल स्टेडियम बनाया गया था, जिसकी हालत खस्ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खेल स्टेडियम की हालत जर्जर है, जिसकी तरफ खेल विभाग के अधिकारी और नेता कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये हमारे गांव गढ़ीपट्टी में शहीद राजवीर सिंह के नाम से खेल स्टेडियम है। यह 12 एकड़ भूमि में है। ये बिल्कुल चारों साइड से ओपन है और बिल्कुल झरझर हुआ पड़ा है। इसमें ना तो कोई भी सरकारी अधिकारी कार्य करते हैं और ना किसी कब्जे को हटाते हैं। ये हमारा जो खेल स्टेडियम है, लगभग 2004 में बना हुआ था। जब से बिल्कुल इसकी चारों साइड की दीवार टूटी और इसमें कब्जे अवैध तरीका से हुए पड़े। जो हमारे गांव गढ़ीपट्टी पूरे हरियाणा में पहले नंबर पर आर्मी के जवानों में आता है गिनती में। आर्मी के जो जवान अब तैयारी कर रहे हैं, मौसम में बदलाव है, ठंड पड़ने लगी है, कोहरा पड़ने लगा। अब बच्चे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो रोड पर भागते हैं, उनके कई बार हादसा हो चुके हैं, कई बार होने की आशंका रहती है। वहीं जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि पहले जो बजट आया था उसे खेल स्टेडियम की चार दीवारी बनाने के लिए खर्च किया गया, उसके बाद बजट के लिए कोई मांग नहीं की गई। पहले उसकी जो बजट आया था वो लगा दिया था, उसमें चार दीवारी बन गई थी। उसके बाद उनके द्वारा कोई बजट की मांग नहीं की गई थी। और अब उसमें अवैध कब्जा है, कुछ ग्रामीणों का है, लोकल है या किसका ये नहीं मालूम। बाकी उसमें अभी जैसे ही हमने लिख दिया है BDCH को कि इसका अवैध कब्जा हटवा दिया जाए, जैसे ही वो कब्जा हट जाएगा हम विभाग को लिख देंगे, जैसे कि निर्देशों में विभागीय निर्देशों में उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अवैध तरीके से कब्जे पर अधिकारी का कहना है कि विभाग की ओर से जिला पंचायत अधिकारी को पत्र लिखकर अवैध तरीके से किए गए कब्जों को हटाने की मांग की गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से स्टेडियम की हालत को सुधारने का दावा भी किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक स्टेडियम का कायाकल्प किया जाता है। सूर्य समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।